आप रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके धन कुबेर मालिक मुकेश अंबानी की बेइंतहा कमाई के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है, हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक वक्त था जब आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कम ही ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, तो अगर आप भी गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो फिर बिना वीडियो स्किप किए हमारे साथ देखिए उनकी जिंदगी और व्यापार का सफरनामा। गौतम अडानी यूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की ही तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन है, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से कई ज्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जिसे अडानी ने सिद्ध साबित किया है, वो है कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और परचम लहराते चले गए, लेकिन उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर काफी जद्दोजहद भरा रहा है। उनका जन्म सन 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था, ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालत और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वो बड़े शहर से बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी मिल गई। 3 सालों तक काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में करना क्या है, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और झवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी का वाय पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था, बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैनुल्स का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट्स, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही साल में ये कंपनी और अडानी इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गए और फिर 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का, ये वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही एक खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद दिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। वैसे ये बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही ये जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए, वो लोगों की रसोइयों तक में पहुंच गए फॉर्च्यून के थ्रू, वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइंड ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। एक्चुअली जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विल एग्री बिजनेस ग्रुप विलमार के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसी दर्जनों चीजों से भी आपकी रसोई का हिस्सा बना हुआ है, जिनके रखरखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज बेसिकली वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोज की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने निजी रेल लाइंस भी बनाई ताकि अनाज को लाने ले जाने में आसानी हो। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी ही जानता है, इसलिए अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की, लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था, इसलिए दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी।
गीली बेस्ट क्वींस आइलैंड में मौजूद इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयले के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के लिए 1.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की। उस समय इंडोनेशिया निवेश बोर्डर ने बताया था कि अडानी समूह 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमात्रा आइलैंड की खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर रेल लाइन बिछाएगा। खैर, अडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक आते आते बढ़कर 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाने शुरू किए। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है।